بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. कैसे हैं प्यारे नन्हे मुन्ने साथियों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत के साथ होंगे. जब आप कोई किसी आप का कोई हाल पूछे तो आप कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ठीक होंगे. आज हमारी पहली क्लास है इस्लामिक कोर्स की. आज हम सीखेंगे तअव्वुज़. क्या सीखेंगे? तअव्वुज़. आपने मेरे साथ साथ दोहराना है. तअव्वुज़, तअव्वुज़ का मतलब है पनाह मांगना. तअव्वुज़ का मतलब है पनाह मांगना. आऊज़ु. तअव्वुज़ शुरू करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाही बिल्लाही मीनश्शैतानिर्रजीम. अऊज़ु बिल्लाहि मीनश्शैतानिर्रजीम. अऊज़ु بالله من الشيطان الرجيم. Do you know meaning of أعوذ بالله? أعوذ بالله का मतलब आपको पता है क्या है? أعوذ بالله का मतलब है मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मर्दूद से. अब मैं आपको बताऊँगी कि importance of तावुज़, यानी तावुज़ हमें क्या कहाँ पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए. हर नए काम शुरू करने से पहले हमें तावुज़ पढ़ना चाहिए ताकि हमें शैतान से हम दूर रह सकें. शैतान हमारे जब करीब आता है तो वो हमें वरगलाता है, हमसे गुनाह करवाता है, हमें गुस्सा आ जाता है. गुस्से के वक्त भी यही वाली दुआ पढ़नी चाहिए. जब बच्चों को गुस्सा आ रहा होता है तो आपने अब क्या करना है, जैसे ही आपको गुस्सा आए या बड़े को किसी को गुस्सा आए तो आपने क्या पढ़ना है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. कैसा लगा आपको? देखा, आज हमने सीखा तअव्वुज़. जैसे ही किसी बच्चे को गुस्सा आए तो वो उसे चाहिए कि वो तअव्वुज़ पढ़ ले. और हमें हर काम से पहले भी तअव्वुज़ पढ़ना चाहिए ताकि शैतान हमारे काम में दाखिल ना हो सके. हमारे काम को ख़राब कर देता है शैतान.